नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस के बारे में। तो बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग सभी ब्रांच का सेम सिलेबस है, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा एक दो चैप्टर का अंतर हो सकता है। तो फिलहाल मैं ग्रुप वन का इसमें दिखा रहा हूँ, उसके बाद ग्रुप टू। तो ग्रुप वन में कौन कौन आ जाएगा? आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये तीन ब्रांच ग्रुप वन में है। ऐसे सिविल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी ब्रांच है, फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग 90% सेम सिलेबस है। लेकिन उन लोग के लिए मैं अलग भी बनाऊँगा ग्रुप टू का। तो ये ग्रुप वन है, तो इसमें देखो क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर का मैं सिलेबस बता रहा हूँ। तो देखो पहला हम लोग थ्योरी का देखते हैं। तो थ्योरी में देखो पहले हम लोग को पढ़ना है बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक मैथमेटिक्स। मतलब सिंपल में बात करोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीन सब्जेक्ट। उसके बाद चौथा है आपका कम्युनिकेशन स्किल, मतलब जिसको इंग्लिश आप बोलते हो। और पाँचवा है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, मतलब जिसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग। और छठा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। यानी छह सब्जेक्ट है आपको थ्योरी में पढ़ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कम्युनिकेशन स्किल जिसको इंग्लिश आप बोलोगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग बोल सकते हो और कंप्यूटर। ये छह सब्जेक्ट है थ्योरी जो कि आपको एग्जाम देना है थ्योरी में, थ्योरी पेपर है। तो इसमें क्या है सुनिए, आपका तीन तीन घंटा का एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम होगा फाइनल वो तीन तीन घंटा का होगा, और एग्ज़ाम आपको सेंटर पे 70-70 मार्क्स का देना है। कितना का देना है? 70-70। और 20 नंबर क्लास टेस्ट रहेगा, और 10 नंबर टीचर जो प्रोफेसर जो है आपको असेसमेंट जो देते हैं, मतलब कुछ भी बनाने के लिए दे देंगे, फाइल वगैरह या कुछ भी काम देंगे, उस पर 10 नंबर है। इसका मतलब 70 का आपका थ्योरी का एग्ज़ाम, और आपको मतलब एक तरह से उसको बोल सकते हो क्लास टेस्ट और असेसमेंट मिला के 30 नंबर। तो 70 और 30, 100। यानी कि फिजिक्स का भी 100 का एग्ज़ाम होगा, केमिस्ट्री भी 100, मैथ भी 100 और कम्युनिकेशन स्किल, यानी चार गो सब्जेक्ट आपका 100-100 नंबर का होगा। और ड्राइंग जो है आपका 30 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको तीन घंटा ही एग्ज़ाम में आपको समय दिया जाएगा, मतलब ड्राइंग बनाने में काफ़ी समय लगता है। और कंप्यूटर जो है आपका वो 50 नंबर का आपको एग्ज़ाम होने जा रहा है फाइनल। तो कुल मिला के अगर देखोगे टोटल मार्क्स, और कंप्यूटर ड्राइंग 30 नंबर का और कंप्यूटर 50 नंबर का, तो टोटल देखोगे तो ये 400 नंबर का हो गया। चार सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश 400 हो गया। ड्राइंग 30 नंबर का है और 50 नंबर का कंप्यूटर, यानी प्रैक्टिकल आपका टोटल मार्क्स कितना है? 480 आपका पास मार्क है, मतलब टोटल मार्क्स है। और उसके बाद थ्योरी जो है आपका जो 70 नंबर का है, तो उसमें आपको 28 नंबर पास के लिए लाना है, 28 नंबर, 40% पास मार्क है। तो 70 में आपको कितना लाना है? 28, और टोटल आपका 100 का हुआ, तो उसमें कितना लाना है? 40। तो आपको भाई प्रैक्टिकल का तो ज़्यादा चिंता नहीं करना, मेन चिंता आपको करना ये जो 70 का आप सेंटर पे एग्ज़ाम जो दोगे, इसी का टेंशन लेना है, क्लियर है। तो कुल मिला के मतलब पास मार्क 33% नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पास मार्क कितना परसेंट है? 40%। तो अच्छे से आप पढ़िएगा तो आराम से पास कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थ्योरी समझ में आया, थ्योरी आपका कितना का एग्ज़ाम होगा? 480 का फुल मार्क्स। अब आ जाते हैं, बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल का। तो देखो एक फिजिक्स लैब होगा, केमिस्ट्री लैब होगा और कंप्यूटर का लैब होगा और वर्कशॉप होगा। तो ये सब कितना कितना मार्क्स का होगा? तो 50-50 का चारों होगा, यानी 200 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है जो कि कॉलेज में लैब में होता है। तो ये हुआ। और उसके बाद टर्म वर्क है, टर्मिनल, जो आपका क्लास टेस्ट वगैरह होगा ना, उसमें क्या है टर्मिनल वर्क क्या है, वो है 70 मार्क्स का आपका
इंटरनल जो एग्ज़ाम वगैरह देते हो ना, देखो इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो ये सब टोटल मिला के टोटल मार्क्स कितना हुआ, 70 मार्क्स। तो आप जोड़ोगे तो उधर था 480, इधर हुआ 200 और ये हुआ 70, जोड़ोगे तो कुल मिला के हो जाएगा, टोटल ऐड करोगे तो 750। तो टोटल मार्क्स का कितना एग्ज़ाम होगा, 750 मार्क्स आपको फर्स्ट टर्मिनल में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आपको 750 का एग्ज़ाम देना है और इसमें यदि आप 750 मार्क्स में यदि आप 60% ले आते हो तो आप फर्स्ट डिवीज़न हो जाओगे, और 75% अगर ला दे रहे हो तो आप डिस्टिंक्शन कहला जाओगे। क्लियर है? तो हमारे चैनल पे नैन क्लासेस पे आपको पूरा सेमेस्टर का तैयारी कराया जाएगा बहुत ही इजी वे में, आपको टेंशन लेना नहीं है, नैन क्लासेस हमेशा आपके साथ है। तो ये हम लोग टोटल मार्क्स वगैरह के बारे में बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का सिलेबस बता दूंगा और केमिस्ट्री का सिलेबस बता दूंगा, मैथ का सिलेबस बता दूंगा, मतलब एक एक करके। क्लियर है? तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, चैनल को आप सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड लोग में बताएं। मैं बार बार हर वीडियो में, मुझे ये बोलना अच्छा नहीं लगता है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं ये सब रिपीट नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ यदि आपको मेरा चैनल पसंद पड़ेगा, आप अपने इसको प्रमोट कीजिएगा, ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।